नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। भोपाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शार्डोल में हुई मरीजों की मौत को लेकर बयान। ऑक्सीजन की कमी के चलते नहीं हुई मौत, क्रिटिकल कंडीशन में थे मरीज, मामले की होगी जाँच। भोपाल में किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं, झूठ बोलने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस के नेता सिर्फ बयानवीर बनकर व्यवस्थाओं को खराब कर रही है। महाराष्ट्र से ऑक्सीजन कंस्ट्रेक्टर को लेकर कोई विवाद नहीं। हमीदिया से चोरी हुई रेमडेसिविर इंजेक्शन, मामले की जांच तेजी से चल रही है। पूरे प्रदेश में कोविड सेंटर में कोरोना वॉरियर्स पर बनी फिल्में मरीजों को दिखाई जाएगी, ताकि मरीजों को मनोबल बढ़े और ठीक होने के बाद समाज को जागरूक कर सके। भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। पटेल कह रहा है, वो गलत कह रहा है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। अभी हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे ज़्यादा की आपूर्ति हो रही है। ऐसी ऑक्सीजन की कमी जैसी कोई स्थिति नहीं है। यदि कोई हॉस्पिटल ऐसा बोल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल, तो ये अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ये कर रहा है और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं ये आंकड़े सरकार जो है झूठे परोस रही है। हम पहले भी कह चुके हैं कि ना आंकड़े हम झूठे परोस रहे हैं, ना इसकी हमें ज़रूरत है। जो जो सच है, जो आंकड़े सच है, वही सरकार बता रही है। कमलनाथ जी लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। जब उन्हें मौका मिला था और जब कोरोना के समय वो मुख्यमंत्री थे, जब वो आईफा अवार्ड आयोजित कर रहे थे, अब केवल बयानवीर बनकर व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी भी विपक्ष के नेता और इतने सीनियर नेता को शोभा नहीं देता। नहीं, कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।